हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ऑटोमेटा की कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो देखेंगे, जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स है, एम्प्टी स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग लेंथ है, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होता है, और इसके अलावा इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑटोमेटा के अंदर जो स्ट्रिंग्स होता है वो क्या चीज़ होती है। कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स, यानी कि कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फाबेट्स इज कॉल्ड द स्ट्रिंग्स। यानी कि हमारे पास जो भी हमारे लेटर्स होंगे, अल्फाबेट्स हैं, अगर उनको आपस में कंकैटिनेट कर दें तो वो हमारा बन जाता है, वो हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, यानी कि कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फाबेट्स इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। तो ये हमारे स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। स्ट्रिंग्स की एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू हो, दो हमारे इसके अंदर अल्फाबेट्स पड़े हुए हैं एक्स वाई और जी, तो देन हमारे पास जो इसके कौन से पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकते हैं वो हमारे पास क्या है, वाई जी एंड सो ऑन, इसके ये वाले हमारे स्ट्रिंग्स बन सकते हैं। ठीक है, अब अगले जो टर्म है हमारे पास वो आता है एम्प्टी स्ट्रिंग्स कौन से। ठीक है, अगर हमारे किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी अल्फाबेट मौजूद ना हो तो वो हमारे एम्प्टी स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। तो उसको हम इस वाले निशान से जाहिर करते हैं जो कि हमारा कैपिटल ग्रीक लेटर है, जिसे कहा जाता है लैम्डा। और इसी तरह इसको हम क्या है, कोई मतलब कि जिस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी अल्फाबेट ना हो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाता है। उसको हम लैम्डा से जाहिर करेंगे, यानी कि एम्प्टी, या इसको हम नल स्ट्रिंग कहेंगे। अब नेक्स्ट हम अगला हमारे पास सवाल ये है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है। तो किसी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको हम एस से डेजिग्नेट करते हैं। तो यानी कि ये वाला निशान हम लगाएंगे किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। लेंथ का मतलब ये है कि उस स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो कितने हैं उसके अंदर, वो हम इसकी मदद से मालूम करेंगे। एग्जांपल देखते हैं कि एक हमारे पास एक ये लेटर्स हैं एक्स और वाई, दो लेटर हैं, तो ये इसकी लेंथ कितनी होगी। सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग जनरेट करवा लिया है जिसका एक्स वाई एंड एक्स, तो इसके अब हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस स्ट्रिंग के अंदर टोटल हमारे कितने हैं, 5 हमारे जो हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसके हम क्या लिखते हैं कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 है। इसी तरह सोन नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली अब आते हैं अगली टर्म के ऊपर के रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, के जो स्ट्रिंग होता है उसका जो है रिवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाय, इस निशान से जाहिर करते हैं रिवर्स एस, या एस के ऊपर आपने सबस्क्रिप्ट स्मॉल आर लिख लेना है, जो कि हमें रिप्रेजेंट करेगा कि इसका रिवर्स लिया गया है इस स्ट्रिंग का। राइटिंग द लेटर्स ऑफ एस इन ए रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि एग्जाम्पल देखते हैं कि एक हमारे पास ये एक लैंग्वेज है, एक हमारे पास एग्जाम्पल ली हुई है कि सिग्मा इसके अंदर लेटर्स पड़े हुए हैं, कुछ हमारे पास इसके अंदर स्टूडेंट स्ट्रिंग्स पड़े हुए हैं। अब इसका हम बना लेते हैं एक स्ट्रिंग, ये हमने इसका स्ट्रिंग बना लिया है, एक लैंग्वेज है उसमें से हमने इसका एक स्ट्रिंग बाहर निकाल लिया है। तो इसका रिवर्स कैसे लेंगे, तो आप देखें ज़रा, रिवर्स ऑफ एस इज इक्वल टू है, पहले तो ये स्ट्रिंग है इसका जो है, इसके रिवर्स हमने क्या किया, इसको तरतीब के साथ लिख लिया, यानी कि आप शुरू में आ गया, इसके बाद ई, फिर डी, सी, बी, ए एंड सो ऑन, ये हमारे क्या इसका रिवर्स आ गया। तो थैंक यू फॉर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और मेरा चैनल है वो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप आगे हम मज़ीद बेसिक टर्म्स देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।